जैसे चमचम बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध को गर्म करेंगे, तो दूध को लगातार चलाते रहे और दूध में एक अच्छा बॉईल आ जाने दें। जैसे ही दूध में अच्छा बॉईल आएगा तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे 5 मिनट ठंडा करेंगे। 5 मिनट के बाद ये मैंने विनेगर लिया है, तो इसे हम थोड़ा सा विनेगर पहले डालेंगे और उसके बाद जितना हमने विनेगर लिया है उसका डबल हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो इन दोनों को मिला लें। इसके बाद दूध हमारा ठंडा है, दूध में हम इसे डालेंगे। दूध थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक साथ पूरा विनेगर ना ऐड करें और इसे हल्के हाथों से चलाते जाएं इस तरीके से। फिर से मैंने विनेगर डाला, ये देखिए, और इसे विनेगर डालने के बाद हम इसे फिर से अच्छे से मिला लेंगे ताकि ये जो दूध है हमारा फटना स्टार्ट हो जाए। आप देख सकते हैं दूध हमारा फटना स्टार्ट हो गया है। तो बस इसी तरीके से बाकी बचे हुए विनेगर को इसमें डाल के, ये देखिए दूध हमारा फट चुका है। तो अब हम विनेगर नहीं इस्तेमाल करेंगे। अब एक मैंने बर्तन लिया, बर्तन के ऊपर डाल दे एक सूती कपड़ा या मलमल का कपड़ा, और ये जो दूध हमने फाड़ा था इसे हम इसमें डाल देंगे ताकि हम इसका छेना बनाएं। तो सारे दूध को इसमें डाल दें, फटे हुए दूध को। तो सारे फटे हुए दूध को इसमें डालने के बाद हम जो है इसे चारों तरफ से पकड़ के इसे अच्छे से इसका पानी निकाल देंगे। तो इसमें पानी नहीं होना चाहिए, तो आप इस टाइम पे अच्छे से इसका पानी निकालें, अपने हाथों से इसे दबा लें जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो ये देखिए कि इसे मैंने निकाल लिया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में रखेंगे, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो छेना हमने बनाया था उसे अब मैं प्लेट में रख रही हूँ। तो ये देखिए, बस इसे अब अपने हथेली की मदद से इसे चिकना करें पनीर को। तो पनीर हमारी बिल्कुल चिकनी होनी चाहिए, तो पहले हम पनीर को चिकना कर लेते हैं। पनीर हमारी चिकनी हो चुकी है। अब मैं इसमें एक चुटकी से भी कम डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, और अब ये बेकिंग पाउडर लिया है मैंने, इसे हम एक चुटकी डालेंगे, बहुत ज़्यादा ना डालें। जितना हमने बेकिंग सोडा लिया था उससे थोड़ा सा ज़्यादा बेकिंग पाउडर डालेंगे। इन सभी को मिला लें अच्छे से पनीर के साथ। तो बस इसे अच्छे से मिलाया मैंने, इसे भी एक बार आप अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए हमारा छेना बिल्कुल सॉफ्ट है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच देसी घी। देसी घी डालने से छेना हमारा अच्छा जालीदार बनता है। और ये मैंने आधा चम्मच सूजी ऐड किया है, सूजी ऑप्शनल है। और ये मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून अरारोट पाउडर। अरारोट डालने से छेना हमारा बिल्कुल सॉफ्ट बनता है। हलवाई लोग भी इसे यूज़ करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मिला दें आप अच्छे से, ये देखिए इस तरीके से, और इसे अपने हाथों की मदद से अच्छे से इसे मसल दे ताकि ये जो छेना है हमारा चिकना रहे। तो इसे मैंने अच्छे से मसल लिया है और छेना हमारा चिकना छेना बना है। तो अब हम इसमें जो है कलर डालेंगे, तो आपके पास जो कलर, आपको जिस कलर का छेना चाहिए आप डालें। मैं येलो कलर का यूज़ कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिला लें कलर को छेने के साथ, और फिर से हम इसे चिकना करना शुरू करेंगे ताकि इसमें जब हम इसकी लोइयाँ बनाएं तो कोई भी क्रैक्स ना आए। तो बस इसी तरीके से आप अपने हाथों से इसे चिकना करें। पनीर बनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि पनीर हमारी उसमें पानी ना हो, नहीं तो ये जो छेना है हमारा गीला हो जाएगा। तो प्लेट में जितने भी वो पनीर लगी हुई है हम इसे निकाल लेंगे ताकि वेस्ट ना जाए। तो इस तरीके से सभी को निकाल ले और इसे अच्छे से चिकना कर ले। तो ये देखिए छेना हमारा चिकना हो चुका है। अब हम इसका जो है चमचम बनाएंगे। तो जितनी बड़ी आपको लोइयाँ लेनी है उतनी बड़ी आप गोल लोइयाँ ले, और इसे अपने हाथों से हथेली की मदद से पहले मैं गोल कर रही हूँ, इसके बाद इसे लंबे शेप में करेंगे। आपको जैसे जिस साइज़ के चमचम बनाने हैं उस साइज़ के बनाएं। मार्केट में लंबे साइज़ के चमचम मिलते हैं तो मैं लंबे ही बना रही हूँ। तो ये देखिए चमचम, एक चमचम हमारा बनकर तैयार है। तो बस इसे अब हम प्लेट में निकाल के रखेंगे और इसी तरीके से सारे चमचम बनाएंगे। चमचम बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी ऐसे ही रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो एक बराबर चमचम सारे हम बनाएंगे, कोई बड़े छोटे ना हो। तो बस इसी तरीके से सभी चमचम को बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो बस चमचम हमारे बन के तैयार हैं,
और अब जो हम चलते हैं चाशनी की तरफ, तो गैस कढ़ाई गरम की। कढ़ाई में मैंने चीनी 1 कप डाली, जितनी मैंने चीनी डाली है उसका डबल हम पानी ऐड करेंगे। तो आप कोई भी बर्तन से, कटोरी से इसका जो है इसे नाप के अच्छे से डालें। चीनी को पानी के साथ घुल जाने दें। जैसे ही चीनी हमारी पानी के साथ घुलेगी, अब इसमें मैं डाल रही हूँ हाइड्रो पाउडर। इसे डालने से जो चीनी की गंदगी होती है वो नहीं रहेगी और चाशनी हमारी बिल्कुल क्लियर रहेगी। और जब हम चमचम बनाएंगे तो उसमें अलग साइन आएगा। हलवाई भी इसे डालते हैं, अगर आपके पास हो तो डालें, वरना आप थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दें ताकि चीनी हमारी साफ़ हो जाए। तो ये देखिए चीनी हमारी बिल्कुल साफ़ हो गई है। अब इसमें मैंने रीठा डाला है, रीठा का पानी डाला है। तो रीठा को मैंने पानी में अच्छे से गर्म कर लिया था और ठंडा होने के बाद मैंने रीठा डाला है ताकि जब हम छेना बनाएंगे अच्छे से इसके ऊपर झाग आए। तो ये हमारे चमचम बन के तैयार है। तो अब इसे हम एक एक करके सारे चमचम को इसमें डाल देंगे। तो सारे चमचम को इसमें डाल दें। रीठा का पानी को आप जो है रीठा को तोड़ लें, उसे थोड़ा सा पानी डाल के उसे उबाल लें। उबालने के बाद ठंडा करके डालें। इससे जो है तो ये चमचम, ये देखिए रीठा के डालने से इसमें अच्छा झाग आया है और चमचम हमारे टूटेंगे नहीं। 5 मिनट तक इसे ना छुए। 5 मिनट के बाद मैंने एक थोड़ा सा पानी लिया और इसके ऊपर हम डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से इसे अब आप 5 से 6 मिनट इसी तरीके से पकने के लिए छोड़ दें। 5 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। 5 मिनट के बाद मैंने गैस को बंद किया और ये देखिए सारे चमचम हमारे चाशनी में अच्छे से डूब गए हैं। इसका मतलब ये बनकर तैयार है। अब मैंने एक प्लेट में लिया है कोकोनट। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो इसके ऊपर लगाएं। मुझे पसंद है इसलिए मैं लगा रही हूँ। तो इसके ऊपर नारियल का बुरादा लगा दें इस तरीके से, ताकि ये देखने में भी अच्छे लगे। ये देखिए इस तरीके से इसे मैंने प्लेट में निकाल के रखा है एक चमचम को। इसी तरीके से दूसरे चमचम में भी हम नारियल का बुरादा लगा देंगे। तो इसे चाशनी से निकालें और इसे इस तरीके से आप इसे अच्छे से कोट कर दें नारियल से। तो इसी तरीके से आप ये जो है चमचम हमारे, इसी तरीके से हम तैयार करेंगे। तो बस बहुत आसान है इसे बनाना। सभी चमचम को हम तैयार करते हैं पहले। ये देखिए चमचम हमारे बन के तैयार है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी टूटी फूटी से गार्निशिंग करेंगे। अगर आपके पास टूटी फूटी नहीं हो तो आप उसके जगह चीनी को कलर करके लगा दें। हलवाई भी इसी तरीके से लगाते हैं। और ये हमारा मार्केट से भी अच्छा चमचम बनकर तैयार है। आपको विश्वास नहीं होगा कि इसे हमने घर में बनाया है। तो अब मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट चमचम है ये, और इसके अंदर जो हमने घी डाली थी उससे इसके अंदर अच्छे से जाली बनी हुई है। ये देखिए बिल्कुल जूसी है ये, और बिल्कुल सॉफ्ट चमचम हमारे बन के तैयार हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। आप अपने घर में एक बार ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो। चमचम हमारे बन के तैयार है। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो फिर देर किस बात की, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।